सभापति जी, मैं खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधायक 2021 के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति जी, यह विधेयक खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए लाया गया है। अधिनियम 1957 संघ के नियंत्रण के अधीन खानों और खनिजों के विकास और विनियमन के उपबंध करने के लिए बनाया गया है। सम्माननीय सभापति जी, हमारे देश की धरती में खनिज की प्रचुर मात्रा है। आज हमारा देश 95 विभिन्न खनिजों का उत्पादन करता है। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 17.4% क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्र है, लेकिन अब तक हमने केवल 1.74% क्षेत्र ही अन्वेषित कर पाए हैं और अभी वर्तमान में केवल 0.25% क्षेत्र पर उत्खनन का काम चल रहा है। हमारे देश में खनिज का उत्पादन मात्र 1.25 लाख करोड़ रुपए का होता है, जबकि आयात 2.5 लाख करोड़ रुपए का आयात हमको करना पड़ता है। सभापति जी, इस बात से यह स्पष्ट होता है कि हमारे घर के तिजोरी में रुपया रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अभाव में जी रहे हैं। हमारे घर में खनिज का भंडार है, लेकिन फिर भी हम अभाव में जी रहे हैं, यह स्थिति है। और इसलिए आज जो ये संशोधन विधेयक लाया गया है, वो इसलिए लाया गया है कि इससे हमारे राष्ट्र के विशाल खनिज क्षमता का प्रभावी ढंग से उपयोग हो और खनिज उत्पादन के क्षेत्र में देश हमारा आत्मनिर्भर बने। इस संशोधन को लाने से पहले देश के विभिन्न राज्यों, मंत्रालयों, औद्योगिक संगठनों, आम जनता और नीति आयोग से परामर्श के आधार पर ये विधेयक लाया गया है। कुछ बड़े संरचनात्मक सुधारों के जरिए ही खनिज के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। खनिज क्षेत्र में 1% वृद्धि होने से औद्योगिक उत्पादन में 1.5% की बढ़ोतरी होगी। ऐसे हम ये कह सकते हैं कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे जो राज्य हैं, वो खनिज संपदा से भरपूर हैं, लेकिन आज भी वहाँ के लोगों का जीवन स्तर, आज भी उनके जीवन में खुशहाली की कमी है। उनको खुशहाल बनाने का एक बड़ा उद्देश्य इस संशोधन विधेयक का लक्ष्य है, और इसलिए इस संशोधन के बाद जो परिवर्तन आने वाला है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके माध्यम से खनिज उत्पादन के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बनेगा। और जब देश आत्मनिर्भर बनेगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा है, उस सपने को साकार करने में बड़ी मदद मिलेगी। हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो एक बड़ा लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह विधेयक बड़ा योगदान देने वाला है। जब उत्पादन बढ़ेगा, उत्खनन बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो नए नए उद्योग लगेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और रोजगार, सभापति जी, किनको? ये ज्यादातर जो खनिज के क्षेत्र हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हैं, आदिवासी भाइयों को रोजगार मिलेगा, उनका जीवन स्तर उठेगा, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होगी। ये बड़ा उद्देश्य इस विधेयक को लाने का है। अन्वेषण के कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और तकनीक का समावेश होकर के खनन के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम इस विधेयक के माध्यम से होगा। खनिज भंडार का समुचित दोहन हो सकेगा, विश्व स्तरीय अन्वेषण हो सकेगा,
केप्टी और नॉन केप्टी इन खदानों के बीच में अंतर को समाप्त करके खनिजों की बिक्री और उपभोग को बाजार के लिए खुला छोड़ा जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से, जिस बड़े उद्देश्य से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डीएफटी की स्थापना हुई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वास्तव में डीएमएफ फंड की स्थापना जो हुई, वो जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में, जो खनिज क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनके जीवन में सुधार हो, उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सके। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां पर डीएमएफ फंड का बंदरबांट हो रहा है, सांसदों को गलत नियत के कारण उनके नियत में खोट है, इसलिए सांसदों को डीएमएफ में सदस्य भी नहीं बनाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सांसदों ने इस देश में यह कानून बनाया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार 20 लाख जनता से निर्वाचित सांसदों की उपेक्षा करके डीएमएफ के कमेटी में सांसदों को मेंबर नहीं रखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सेंट्रल कानून से बना है, इसलिए सांसदों का इसका चेयरमैन होना चाहिए, डीएमएफ फंड का सदुपयोग हो, आदिवासी भाइयों के जीवन में सुधार हो। ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, क्या ये नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ को और रेवेन्यू मिले, छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों बहनों का और विकास हो, उनके जीवन